करते हैं, हम तो अपने क्लासेस जब कराते हैं तो बच्चों को कुछ ऐसा लास्ट टाइम में नहीं छूटता है कि मतलब और कुछ लास्ट टाइम बताना पड़ जाए, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो एग्जाम सेंटर पे आप लोग जाएंगे अपने विधि व्यवस्था के साथ जाना है। हर सब्जेक्ट में कटर पेंसिल रबर ये सब लेके जाना है। जैसा कि तुमको पता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है वो ले जाना अलाउड नहीं है, ले जाना अलाउड है जो पारदर्शी वाला जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है प्लास्टिक का जो दिखे वो ले जाइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसको अलाउड हो गया है, जूते पहन के जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ में एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए जल्दी जाने के लिए उस क्रम में अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, आपकी एंट्री नहीं हो पाती है। ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि हमको क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। और बात बाकी इधर जो टाइमिंग्स बचा हुआ है अपना एक रूटीन फिट करो कि 2-7 दिन का टाइम है मैथ का, हमको कितना करना है। सबसे पहले मैथ है तो मैथ का हम टाइम देंगे ज्यादा, कुछ ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि फर्स्ट में मैथ ही खाली सातों दिन मैथ पढ़ेंगे दैट इज नॉट एनफ, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को बार 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 पढ़कर थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करेंगे। जैसे कि सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर एक ही टीचर अगर सब सब्जेक्ट पढ़ा तो ज्यादा इरिटेटिंग होता है, अगर वही अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स अलग अलग चेहरा आते हैं तो पढ़ने में थोड़ा सा इंजॉय हो जाता है। वैसे ही आप ब्रेक ले लेकर पढ़ो और सब सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों का जो रिजल्ट बनने वाला है याद रखना ओवरऑल टोटल सब्जेक्ट में अच्छा करना है। मान लो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, और साइंस वाले में अगर सिर्फ बेहतर कर दें 100 में 100 ला दें लेकिन हिंदी वाले में तुम कम ला दो, पूरा ओवरऑल रिजल्ट तुम्हारा फेल होने वाला है। तो याद रखना हम लोगों के लिए ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे लाने हैं, इसके लिए सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है। दूसरी बात, अब चूंकि लास्ट टाइम है तो आपको जितने भी मटेरियल्स यहाँ से दी जाएंगी, अभी आप लोगों को वो सारा सब दिख रहा है तो सब आपको इनके लिए रखा गया है देने के लिए, तो जितना मटेरियल्स दिया जाएगा उन सब वीडियो क्वेश्चंस हैं और उन वीडियो क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना है। क्लासेस में भी हम कई बार बता चुके हैं कि तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है। ये बात को हम पहले भी बता चुके हैं कि एक एक क्वेश्चन को लिख के आना है। साइंस वाली सब्जेक्ट का है तो साइंस वाली भाषा में लिखेंगे, हिंदी वाला है तो हिंदी वाला में लिखेंगे, एसएसटी वाला में है तो एसएसटी वाला के जैसा लिखेंगे। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ लिखेंगे। राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए राइटिंग का भी ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा स्लो मोशन में लिखना है, हड़बड़ में नहीं लिख देना है। याद रखना तुम्हारा जो पेज होगा उसमें ज्यादा कटिंग मत करना, मान लो कि गलत हो गया तो थोड़ा सा एक बार क्रॉस कर देंगे, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने गलत कर दिया है, उसको बराबर जो है पूरा एकदम खुदाई नहीं करना है, इससे आपका कॉपी गंदा दिख सकता है, ठीक है, और एग्जामिनर जो है कम नंबर देंगे। तो ये सब तो जो नॉर्मल टिप्स थे जिसको आप फॉलो करेंगे, और ये सब कॉमन टिप्स थे और इसको आपको यूज करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग जो लास्ट टाइम में लास्ट मोमेंट में मिल रहे हैं, तो कुल मिलाकर सबसे पहला बात, आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है चाहे वो क्वेश्चन बैंक से हो, चाहे एबीडी गाइड से हो, चाहे हम लोगों का नोट्स बुक से हो, सब सब्जेक्ट में उसी को फॉलो करना है। और बात बाकी जैसा सर ने भी बताया भी कि आपको एग्जाम को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना देखो हम लोग जितना हर किसी को चीज को समझ कर स्ट्रेस ले लेते हैं, हमारा दिमाग उसी तरह से बिहेव करने लगता है। तो इस तरीके से अपने आप को खान पीन का भी ध्यान देना है, सुबह सुबह जब भी एग्जाम देने जाए तो कुछ मीठा खाकर जाइए, ताकि इससे ग्लूकोज मिलेगा आपको, एनर्जी मिलेगा, शुगर बना रहेगा, जो सोचने समझने का जो शक्ति है वो बना रहेगा। तो आप कुछ फल वगैरह ले लीजिए सुबह सुबह, और उसके बाद एग्जाम उग्जाम दे दीजिए तो फिर आइए बढ़िया से खाना पीना खाइए, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी करिए। तो खाना पीना का तो बहुत बढ़िया रोल होता है, कितने तो बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनको जैसे कि एग्जाम जाने से पहले ही उठ जाने लगते हैं, मतलब पलटी उल्टी मारने लगते रास्ते पलटाना नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि इतने ज्यादा वो स्ट्रेस ले लेते हैं कि गस्ती मार देता है। तो इस तरीके से इस बात का ख्याल रखना है। और स्टार्टिंग जो एग्जाम है मैथ्स का, वो सारे मैथ्स का एग्जाम देंगे आप लोग, तो आपका जो है जो हिचक है या डर है वो सब सारा मिट जाएगा एग्जाम जो है। और नेक्स्ट वे क्या है कि अगर एग्जाम में देखना, अगर मान ली जाए कि अगर पूरा जैसे कि 12th के एग्जाम अभी चल रहा है तो वहां से सुनने में आ रहा है कि ज्यादा जो है प्रेशर नहीं है, यहाँ तक कि टीचर क्लास में आ रहे हैं और कॉपी वगैरह बांट कर और खुद जो है विटामिन डी ले रहे हैं। तो अगर वैसा होगा अगर मान लो जहाँ चोरी अगर चलेगा तो गांव भर के छूट के चोरी करेंगे, अब जहाँ एकदम अगर टाइट व्यवस्था हम लोग पढ़ के जाएंगे सीधा सा बात है, तो
ऐसा भी ईमानदार मान लो कि कितना भी ईमानदार है और जहाँ चोरी हो रहा है वो पूरा ईमानदारी बरत रहा है, उसका वैल्यू है। इसीलिए जो है अगर जैसा कंडीशन रहेगा उस कंडीशन को ख्याल रखना है। और जैसा कि तुमको बताया भी है कि शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन अगर मान लेते हैं ज्यादा, अगर हम शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन अगर हमको आधा ही जवाब देना है, आधा में से बहुत सारा हम गलत जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन का, तो एक आध दो क्वेश्चन जो है शॉर्ट टाइप का आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ नॉर्मल ट्रिक्स है। हाँ, दूसरा बात कि अगर ये सब पूरा का पूरा जिसको एकदम सही सही याद है उसको एक आध क्वेश्चन रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इस सब सारी चीजों का ध्यान रखना है, राइटिंग का, जैसे कि बार बार बोल रहे हैं राइटिंग बहुत बड़ा मायने रखता है, ये सब है। और हम लोग यहाँ के सभी टीचर्स जो हैं आपके लिए यही कामना करते हैं कि आप लोग बढ़िया रिजल्ट लेकर आइए और आगे का, क्योंकि पहले ये आपका पहला सीढ़ी है और जैसे ही इस पे अगर इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा कुछ करते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, इसके लिए आपके बहुत सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं। और जो जिस हिसाब से नंबर लाता है, जितना परसेंटेज, जितने मार्क्स से पास होते हैं, उस हिसाब से अपना अपना गोल फिट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ के सभी टीचर्स आपके लिए यही कामना करते हैं कि आप लोग सभी खूब दम भर के मेहनत करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से एग्जाम देकर आइए और अच्छा मार्क्स लाइए। और फिर उसके बाद हम लोग जुड़ेंगे नेक्स्ट जो 11th क्लास होगा आपका, और बहुत सारे बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, वो मैथ से आगे पढ़ाई करेंगे, जो साइंस से है तो साइंस में बायोलॉजी से पढ़ाई करेंगे। कुल मिलाकर उसके बाद फिर हम लोग आपके लिए एक ग्रुपिंग बनाएंगे, एक समूह बैठाएंगे, समिति बैठाएंगे और उसमें आप लोगों को सभी को इन्वाइट करेंगे कि आगे का जो क्लास है वो किस तरीके से चलेगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है। जैसे 10 तक तो हम समझ में आ गया, एग्जाम भी दे लिए, पास भी हो गए, उसके बाद बच्चों को ये समझ जरूर आना चाहिए कि सर मैथ्स किससे अगर हम करेंगे तो मैथ्स का क्या स्कोप है, बायोलॉजी से अगर पढ़ेंगे तो बायोलॉजी से क्या स्कोप है, अगर जूलॉजी से करेंगे तो उसका क्या स्कोप है, अगर कॉमर्स करेंगे हम इंटर जो है कौन कौन सब्जेक्ट से कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले बढ़िया मार्क्स लाना है, बढ़िया डिवीजन से पास करना है, फिर आप लोगों को इनवाइट किया जाएगा एक सब लोग आइएगा, उसमें सब हम लोग सब सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इस सब्जेक्ट से आपको क्या क्या आगे कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट से आपको क्या फायदा होगा, आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट से जो है फिर हम लोग आगे जुड़ेंगे और फिर से पढ़ाई करेंगे। तो वो तो बात की बात हो गया, लेकिन अभी हम लोगों का मेन फोकस करना है कि 10th में हर हाल अच्छे करना है। अभी तक के इस कोचिंग का रिकॉर्ड जो है 453 है, जैसा कि बार बार हम बताते आ रहे हैं, इस बार तुम लोगों को इतना बढ़िया से पढ़ाई करना है कि वो 453 वाला जो हाईएस्ट स्कोर है यहाँ का ही नहीं है, पूरे नबीनगर का वो हाईएस्ट स्कोर रहा है पिछले बार। तो हम जो है उस स्कोर को और क्रॉस करेंगे, हम 460 प्लस स्कोर करेंगे, ये सोचकर एग्जाम में अच्छे कॉपियां लिखनी है, ठीक है। और दूसरा बात कि कलर करने में, तो देखो बहुत सारी चीजें को आप ख्याल रखना पड़ता है, बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि दूसरा नंबर का हमको सही सही भी आ रहा है अब रंग देता है तीसरा का, तो इसलिए हम आपको इसका भी ट्रिक बताए हैं कि जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, सभी सबसे पहले आप रबड़ा के रंगने मत लगना, सबसे पहले काम करना एक एक क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखना। अगर दूसरा का हमको 20 समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन में भी थोड़ा सा टिक लगा देंगे दूसरा का भी, और फिर ढूंढ ढूंढ के हम आराम से कलर करेंगे लास्ट में। तो जितने क्वेश्चंस का देने हैं, जैसे मैथ्स में 100 क्वेश्चन है उसमें 50 करना है, तो देख लेना गिन लेना क्वेश्चन में कि हम कितना क्वेश्चन टिक आउट किए हैं, 50 हो गया है डन कर लेंगे फिर रहने वाला काम करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन बोला जाए ऑब्जेक्टिव में उतना ही करना, क्योंकि अगर ज्यादा आप कर रहे हैं 100 में 55 का जवाब दे दिए तो कंप्यूटर में ऐसा सेट रहेगा कि स्टार्टिंग से 50 से वो चेक होगा, तो स्टार्टिंग से 50 गुना आप गलत कर दिए हैं और इन्हें 52-53 सही किए हैं तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, समझ आ रहा है। तो इस बात को केयर करना है कि ऑब्जेक्टिव में कोई चलाकी नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मान लो कि मोबाइल से हम चलाकी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइस है, ये टेक्निक है, तो कुल मिलाकर हम जो है कंप्यूटर से कोई चलाकी नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर में ऐसा मतलब फिट रहता है। हम चलाकी कर सकते हैं शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप का आंसर करने में, मान लो कि हम गलत ही आंसर लिख रहे हैं लेकिन फ्रेश राइटिंग में अगर सब कुछ लिख रहे हैं तो वो तुम्हारा चल जाएगा, क्योंकि वो एग्जामिनर चेक करेंगे। तो लास्ट टाइम तुम्हारे लिए हम यही कामना करते हैं कि तुम बहुत अच्छा करो, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, यहाँ से जो तुमको दिया जाएगा अभी फिलहाल उस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाना, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि जो यहाँ से क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखो 12th वाला भी क्वेश्चन अभी दिया गया है जैसा कि तुम लोग को अभी दिया जाने वाला है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ तक कि 100% लड़ रहे हैं क्वेश्चन,
अब इतना भी तुम लोग करके नहीं जा पाओगे तो फिर तो दिक्कत है। इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चंस असाइनमेंट दिया जा रहा है अलग अलग सब्जेक्ट का, उन सब्जेक्ट का आपको बढ़िया से रिविजन कर लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद सर